नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जब आप अपने चैनल पर 500 सब्सक्राइबर का मिलस्टोन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अपने चैनल पर क्या क्या देखने को मिल जाता है, क्या क्या आपको नए फ्यूचर हैं वो देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों चलो दोस्तों इस इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जब आप अपने चैनल पर 500 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर लेते हैं तो दोस्तों आपको तीन फ्यूचर हैं वो मिलते हैं। तो दूसरे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ वो तीन फ्यूचर कौन से होते हैं। तो दोस्तों पहला फ्यूचर होता है वो होता है आपका लाइव स्ट्रीम का। दोस्तों जब आप अपने चैनल पर 50 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर लेते हैं तभी आपको लाइव स्ट्रीम का फ्यूचर है वो मिल जाता है और इससे आप अपने चैनल पर लाइव वीडियो कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो सेकेंड फ्यूचर होता है दोस्तों वो होता है आपके चैनल पर कम्युनिटी टैब। दोस्तों जब आप अपने चैनल पर 500 सब्सक्राइबर को दोस्तों कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको ये फ्यूचर मिलता है और उसके अंदर आपको ये फ्यूचर मिलता है कि आप यूट्यूब पर कोई भी पिक सेंड कर सकते हो, किसी भी अपनी वीडियो को प्रमोट कर सकते हो दोस्तों, उस ये होता है। और आप अपने सब्सक्राइबर और अपने व्यूवर से यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि उनको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या अदर आपको कोई भी क्वेश्चन है कम्युनिटी टैब से आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और दोस्तों जो तीसरा ऑप्शन होता है वो होता है आपका कस्टम यूआरएल। तो दोस्तों जब आपके चैनल पर 500 सब्सक्राइबर का मिलस्टोन कम्प्लीट हो जाता है उससे पहले ही आपको ये फ्यूचर है वो मिल जाता है। आप अपने चैनल का एक कस्टम यूआरएल बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप यूट्यूब का जो लिंक है वो शेयर करते हैं अपने चैनल का तो वहाँ पर लिखा आता है XYZ WW, ऐसे कोई बड़ी ABCD वहाँ पर लिखी आती है। लेकिन अगर आप अपने चैनल का कस्टम URL यहाँ पर बना लेते हैं तो आपकी एक चैनल का URL बन जाता है। जैसे कि मेरे चैनल का आपने अबाउट में URL देखा होगा, वहाँ पर लिखा आता है www.youtube.com/AnkitMoreTech। तो दोस्तों ये हमारे चैनल का कस्टम URL है, अगर कोई इसको सर्च करेगा तो हमारा चैनल वहाँ पर आ जाता है। तो दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ को इनेबल करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहती है। चलो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।